नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ जय प्रकाश गुप्ता हैं, डायरेक्टर है धन से, कुणाल शाह हैं हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल बंग से, और भाविक पटेल हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब हैं, जिनसे हम बुलियन मार्केट का अपडेट लेंगे कि किस तरह की बुलियन की चाल आगे रह सकती है। बीएन वैद्य एंड एसोसिएट से भार्गव वैद्य साहब। चलिए सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन सबसे पहले नॉन एग्री मार्केट में है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जबरदस्त तेजी शुरुआती कारोबार से ही, जेरोम पॉवेल साहब के बयान से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। माफ कीजिएगा, क्रूड यहाँ पर दबाव है, कल 3% की तेजी दिखी, $86 के आसपास अब ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस हल्का दबाव है 570 पे, कॉपर में भी तेजी का रुख है। और एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा जहां पर 14% कम एक्सपोर्ट हुआ है और उससे यहां पर दबाव दिख रहा है। कॉटन में तेजी का रुख है, नॉर्थ इंडिया में जो क्वालिटी को लेकर चिंता बताई जा रही है। हल्दी, जीरा और धनिया, जीरे में अच्छी तेजी है, 2% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। धनिया में कल तेज गिरावट दिखी थी, 4% की गिरावट दिखी, लेकिन आज हल्की रिकवरी है, 9,700 रुपए के ऊपर है। लेकिन हल्दी दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 7,200 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। भार्गव वैद्य साहब हमारे साथ है। सर भार्गव सर, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में जो ये तेजी आई है पॉवेल साहब के बयान के बाद, ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है और मौजूदा स्तरों पर क्या सलाह देना है? सबसे पहले गोल्ड पर बताइए सर। गुड मॉर्निंग। जो तेजी आई है वो इस लेवल पे आगे बढ़ेगी नहीं, मगर रहेगी सही। गोल्ड में मंदी बिल्कुल नहीं है, ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, वो जरा फास्ट आ गई। जिस तरह से इन्फ्लेशन और सब पोजीशन है तो गोल्ड में मंदी है ही नहीं, ये लेवल पे भी शॉर्ट करना मुनासिब नहीं है। एक आध डीप आ सकता है, मगर अगर आपको कुछ करना है तो लेके बाय करके ही आगे चलना चाहिए। हिंदुस्तान में गोल्ड ज्यादा इसलिए अट्रैक्टिव हो गया है कि रुपी काफी स्ट्रांग है आज। अच्छा। रुपी की जी कही सर। जो इसलिए से रुपी में तो लेके ही चलना चाहिए, कोई खाली डॉलर में करता है तो एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है डॉलर में। ओके, डॉलर में हालांकि कमजोरी आ भी चुकी है, 105 डॉलर इंडेक्स देखिए 105 के आसपास फिसल कर आ चुका है। जिस तरह की वीकनेस यहां पर आई है उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। सर अब चांदी को लेकर क्या हुई, एक शार्प मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट चांदी का 65,000 के पास पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? क्या ये तेजी यहां से जारी रहेगी या वेट करें? नहीं, चांदी में थोड़ा वेट करिए। अगर निचले स्तरों में अगर किसी ने बाय किया है तो 20% प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले सकते हैं। और चांदी में एक ज्यादा रिएक्शन आया है जो गोल्ड के साथ है, मगर बेस मेटल या दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल का प्रेशर शायद आ सकता है चांदी में, उसमें से एक डिप मिलेगा जहां बाइंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक वो भी मगर बहुत मंदी नहीं है, मगर एक करेक्शन चांदी में 100% मिलेगा। आपको करेक्शन में मौका मिलेगा एंट्री करने का, करेक्शन का वेट करें, लेकिन ट्रेंड अभी पॉजिटिव है दोनों ही काउंटर में, करना खरीदना ही है आपको, लेकिन डिप का वेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला भार्गव वैद्य साहब आपने। चलिए अब जय से जानते हैं। जय प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की जो चाल आज दिख रही है, इस चाल में आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? जी गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है गोल्ड सिल्वर में, ये आगे भी रह के कायम रहेगा। दो चार बड़े फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। एक कल पॉवेल साहब का बयान कि यहाँ पे अब स्टीप हाइक शायद ना देखने को मिले, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में जिस हिसाब से कंट्रोल आया है, और ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बुलियन में आने वाले दिनों में तेजी बरकरार रहेगी। तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है कि जिस हिसाब से आप देखें अब डेफिसिट की जो बातें हैं वो निकल के आएंगी, तो ये भी एक हेल्प करेगा बुलियन प्राइसेस पे। तो ऑल इन ऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, स्पेशली गोल्ड में। मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक 53,500 से 54,000 का लेवल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुणाल जी, आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, और आप क्या सलाह देंगे? जी आई एम परपेचुअली बुलिश राइट नाउ, मुझे कोई मंदी के रीजन नजर नहीं आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप गैप अप देखते हो 400-500 रुपया और आप बाय करते हो
तो 150-200 पे नीचे आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में जो लोग ने मिस किया है ये अभी का मूव, ये इसी कारण मिस किया है, सब लोग करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं कि करेक्शन आएगा, पर करेक्शन आता ही नहीं है। द अंडरलाइन ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग आ सकते हैं। $1,800 कॉमेक्स पे, सिल्वर में अगर बात करेंगे तो 2260, 2270 का लेवल। ये सब लेवल्स पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगा, बट द ट्रेंड इज स्टिल अप। 100-200 रुपए का करेक्शन पे गोल्ड बाय कीजिए, 200-300 रुपए के करेक्शन पे सिल्वर बाय कीजिए। दोनों में ओवरऑल ध्यान तेजी का ही रहेगा। नहीं, ट्रेंड पॉजिटिव है, सभी एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है, लेकिन आपको रिट्रेसमेंट पे जब भी आपको मौका नीचे में मिले वहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कुणाल जी। भाविक, इंट्राडे के हिसाब से अब आप बताइए, जो मौजूदा लेवल है 63,500 के आसपास चांदी का मार्च का वायदा और गोल्ड का वायदा 53,350 के ऊपर है, इन स्तरों पर क्या करना है अगर इंट्राडे में किसी को ट्रेड करना है, तो क्या सलाह है आपकी? अच्छी, जैसे दूसरे पैनल ने भी बोला, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्योंकि गैप अप हुआ है तो थोड़ा अगर नीचे 200-300 रुपये आता है तो बाय करना चाहिए। स्पेशली गोल्ड की बात करें, फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट तो 53,200 पे आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा 53,550 के टारगेट से बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 53,000 का। चांदी की भी बात करें तो वैसे चांदी में हमने अच्छी खासी अप मूव देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए अराउंड 64,600 के करीब। तो 64,600 आता है तो बाय कर सकते हैं 65,100 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 64,100 का। तो दोनों में ही रणनीति बायन डिप्स की है, बट थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तभी बाय करें क्योंकि ऑलरेडी अब हमने रन अप काफी देख लिया है आज आज के दिन के लिए, तो थोड़ा नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं। यानी सिमिलर राय है, करना खरीदना ही है आपको, लेकिन आप डिप का वेट करें, नीचे के लेवल पे एंट्री के मौके देखें, करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है ताकि आप फंसे नहीं ऊपर की तरफ। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर भी काफी खबरें हैं। अब 4 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक है, उसके बाद 5 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन जो रशियन ऑयल पे पाबंदी लगाएंगे वो टाइमलाइन है, साथ ही G7 देशों का जो प्राइस कैप है वो खबर है, साथ ही चाइना में जिस तरह से पाबंदी में ढील देने की तैयारी चल रही है, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को ड्राइव करेंगे। कुणाल जी, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में क्या लग रहा है आपको? कल 3% की तेजी दिखी, हालांकि आज अभी शुरुआती कारोबार में सुस्ती है, दिन के दौरान क्या लग रहा है, क्या ये एक्शन फिर से बढ़ेगा और किस तरफ का होगा ये एक्शन? चाइना अपनी इकोनॉमी ओपन अप करने की फुल इंडिकेशन दे रही है। ऐसी हालत, ऐसे ऐसे में क्रूड में भी आपको अपसाइड देखने मिलेगी। 6,540 में बाई कीजिए, 6,700 का टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 6,440 का। इसमें एक ही नेगेटिव है फिलहाल कि कोई यूरोपियन यूनियन कोई एक रशिया का क्रूड को प्राइस कैप डाल दे बहुत नीचे, जैसे $55 या $60 ऐसा प्राइस कैप अगर रशियन ऑयल पे डालता है तो रशिया इसको रिटेलिएट करने के लिए प्रोडक्शन कट कर देगा और उससे भी तेजी होगी। बट इनिशियली जब प्राइस कैप का डिसीजन आएगा तब सेंटिमेंटली एक मंदी आ सकती है, यही एक ओवरहैंग है मार्केट के लिए। तो दूसरा, ओपेक की मीटिंग है दिसंबर में, वो ओपेक की मीटिंग में भी प्रोडक्शन कट की बातें आना चालू हो गई है, वो भी सपोर्टिव है प्राइस के लिए। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, वो भी सपोर्टिव है। कुल मिला के सब छोटे मोटे अपसाइड के लिए क्रूड इज पॉइज्ड। यहाँ से क्रूड में बाइंग कीजिए। यानी आपको यहाँ से बाई करके ही जाना है, जो स्टॉप लॉस इन्होंने बताया है 6,440 का, वो इस स्टॉप लॉस को सिर्फ मेंटेन रखिएगा, फिर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है कुणाल जी की तरफ से। भाविक, आपकी सलाह क्या है, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए आज? जी, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा डिप आता है बाय करना चाहिए क्योंकि अभी फैक्टर्स अगर फंडामेंटल देखें तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है क्योंकि अभी भी G7 और यूरोपियन नेशंस जो है वो भी प्राइस कैप के ऊपर बात ही कर रहे हैं, कोई भी अभी फाइनल आया नहीं है। तो आई थिंक जो अगर $65-70 का आता है तो कच्चे तेल के लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि रशिया ऑलरेडी इसके नीचे ही सप्लाई कर रहा है। और दूसरी अगर बात करें तो ओपेक प्लस की जो डिसीशन शायद 4 दिसंबर को प्रोडक्शन कट की आएगी, तो
तो भी कच्चे तेल के लिए अच्छा ही है, और अगर चाइना थोड़ा बहुत भी अपर ओपन अप होता है तो वहाँ पे बहुत पेंट अप डिमांड होगी कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। आज के तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6500 आता है, तो बाय के रिकमेंडेशन है 6620 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6400 का। जय, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से, आपको भी लग रहा है कि खरीद कर जाना चाहिए कच्चे तेल को? जी बिल्कुल, देखिए एक ही नेगेटिव ट्रिगर यहाँ पे वो दिख रहा है कि शायद चाइना में अगर कोविड के केसेस बढ़े और फिर से वो लॉकडाउन की तरफ जाए तो यहाँ पे ग्लोबल डिमांड में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो भी इंडिकेशंस हैं वो यही दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। ओपन है कि शायद यहाँ पे कोई रेट कट हो या प्रोडक्शन इंक्रीज हो, मुझे लगता है कि स्टेटस ओके। तो ये व्यू है कच्चे तेल पर जय का। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, कल हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही थी, लेकिन अब मिक्स ट्रेड यहां पर दिख रहा है। एल्युमिनियम दबाव में दिख रहा है, बाकी काउंटर अभी भी तेज़ है। कॉपर आधा परसेंट से ज़्यादा ऊपर है, 688 रुपये के ऊपर है। जिंक आधा परसेंट मजबूत, 271 रुपये के ऊपर। लेड में हल्की तेजी और एल्युमिनियम 211 के आसपास। बेस मेटल्स में आपके आपको क्या पसंद है कुणाल, और किस साइड की ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आज आप? बेस मेटल में मुझे लग रहा है आज आफ्टरनून सेशन के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप कर रहा है, पर ऑलरेडी प्राइजेस तो बढ़ गए हैं सभी चीज में। कॉपर देखेंगे, 650 का कॉपर है, 690 चल रहा है, तो 690 में बाई नहीं करना चाहिए। ये लेवल्स पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, 690 पे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। 690 में कॉपर सेल कीजिए, 696 का स्टॉप लॉस रखिए और 680 तक के टारगेट आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। यानी कुणाल को लग रहा है कि ऑलरेडी प्राइस में ये जो खबरें हैं ओपन अप की, चाइना ओपन अप की, वो डिस्काउंटेड है, तो आज कॉन्ट्रा बेट लीजिए। यहाँ पे 696 का सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 690 के आसपास जाता है तो कॉपर को बेचे, 680 तक का टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ दिख सकता है। भाविक, आपकी पसंद क्या है, क्या खरीदे या क्या बेचे बेस मेटल्स में आज? जी मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में बेचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम अक्टूबर नवंबर में 214-215 का हाई बनाया था और वहीं रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, और वैसे भी अगर देखें तो आज एल्यूमिनियम थोड़ी सुस्ती ज़रूर से दिख रही है, तो मैं एल्यूमिनियम में शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूँगा। अराउंड 212 टारगेट रहेगा, 209 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 214 का। ओके, यानी एल्युमिनियम इनकी पसंद है, एल्युमिनियम बेचने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। अब जय, आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में, कोई टॉपिक एक अगर आपको चुनना हो तो क्या करेंगे आप, कहां पर दाव लगाएंगे? मेरे हिसाब से कॉपर है। देखिए करंट भाव में थोड़ा सा यहाँ पे 10-12 रुपए का गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइमरी रीजन ये है कि रुपी में जिस हिसाब से अप्रिसिएशन है घरेलू मार्केट में, हो सकता है कि रुपए के दबाव के कारण यहाँ प्राइसेस थोड़ा नीचे देखने को मिले। ओवरऑल मेरा टॉप पिक बेस मेटल्स कॉपर ही रहेगा, क्योंकि जो डिमांड निकल के आने के आसार हैं, चाहे वो सोलार हो, चिप हो, न्यू एज बिजनेसेस हो जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है, सब जगह कॉपर की डिमांड बहुत रहेगी, तो मैं कॉपर में बुलिश हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे डिप मिले तो बाई करके ही चलना चाहिए। यानी डिप पे खरीदारी की सलाह है और ऊपर पे बेचने की सलाह कुणाल जी की, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे कुणाल जी का टारगेट है उसके नीचे यहाँ पे बाइंग की सलाह जय दे रहे हैं, कुणाल जी ऊपर की तरफ बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस को लेकर कुणाल जी आपका व्यू क्या है? जी नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो मेनली वेदर ड्रिवन कमोडिटी है, और मेरी राय में नेचुरल गैस में अभी की जो मूवमेंट है इट्स प्योर एंड प्योर वेदर प्ले। सो आपको अगर यूएस का वेदर आप समझ सकते हो तो अभी फिलहाल जो ये हफ्ते की फोरकास्ट थी वो नॉर्मल विंटर की फोरकास्ट थी, सो उसके कारण मुझे लग रहा है गैस में थोड़ा प्रेशर बनेगा, और 566 में आप गैस सेल करते हो तो आपको 558-557 के स्तर मिल सकते हैं, और 571 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। भाविक आप सहमत है, आपको भी लग रहा है यहाँ पर सेल करके ही जानी चाहिए? अगर सेल आप करने की सलाह दे रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है नेचुरल गैस में आज?
जी जरूर सर, क्योंकि बुलिश फैक्टर्स जो है वो कम हो रहा है नेचुरल गैस में, क्योंकि वेदर जो है वो भी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। जो स्ट्राइक हमने रेलवे को देखा था वो भी नहीं हो रहा है, और जो फ्री पोर्ट एलएनजी है एक्सपेक्टेशन है कि मिड दिसंबर से शुरू हो जाएगी, तो यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये फैक्टर्स की वजह से हमने नेचुरल गैस में थोड़ा डिक्लाइन देखा है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 572 पे आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा 560 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 579 का। ओके चलिए, ये नेचुरल गैस की बात हो गई। अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। करेंसी में आज अच्छी रिकवरी रुपए में दिख रही, डॉलर के मुकाबले करीब करीब 0.5% की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। क्या व्यू बन रहा है कुणाल जी करेंसी मार्केट को लेकर? जो हिसाब से रिस्क प्रोफाइल है वो हिसाब से देख ऐसा ही लग रहा है, रुपी में सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर होते जा रहा है, तो वो यूएसडी एनआर पेयर के लिए है काफी पॉजिटिव रहेगा। सो सेल ऑन राइस आपको 81-80.90 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है रुपए की मजबूती जारी रहेगी क्या जाए यहाँ से? जी विश्वमान जी, देखिए दो दो फैक्टर्स हैं। एक डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना, दूसरा फैक्टर ये है कि जो घरेलू डेटा निकल के आए हैं, जैसे देखिए कि आप एनआर नरेगा में यहाँ पे जो डिप आया है यहाँ पे जॉब डिमांड का, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑलमोस्ट 11 महीने के लो पे है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो नरेगा से बेटर है। तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है इकोनॉमी में। तो इसके कारण मुझे लगता है कि रुपी में 80.6 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में सेल की रणनीति के साथ काम करें, नीचे की तरफ 80.6 के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। सबसे पहले कॉटन में, हालांकि आज तेजी है, नए कॉन्ट्रैक्ट की भी खबर आ रही है कि एमसीएक्स का नए कॉन्ट्रैक्ट का भी अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है। दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो बचा हुआ है वो 31,800 के ऊपर है, 0.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिख रही है। कुणाल जी कॉटन को लेकर क्या व्यू आपका बन रहा है? खबर ये भी आ रही है कि नॉर्थ इंडिया में क्वालिटी को लेकर चिंता है। ओवरऑल आपका आउटलुक क्या है कॉटन को लेकर? आई थिंक बहुत ज्यादा तो नहीं नजर आ रही है कॉटन में, बट ये जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये जो चाइना ओपनिंग अप का जो पूरा बन रहा है उससे पेंटअप डिमांड इंटरनेशनली बढ़ेगी, इंडिया से थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। सो मैं ये लेवल से आपको ट्रेडिंग के लिहाज से बाई रिकमेंड करूंगा, 31,800 के आसपास बाई करके 32,100-32,200 तक के रेट आपको देखने मिल सकते हैं। बट इसमें भी कोई ऐसा एकदम बड़ा ट्रिगर नहीं आ गया है कि बहुत लंबी तेजी आ जाएगी। सो दिस इज फॉर अ बाउंस बैक, 400-500 रुपये के बाउंस बैक के लिए आप कॉटन बाई कर सकते हो। मैं तो थोड़ी हल्की तेजी के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपकी राय क्या है भावी कॉटन पर? जी जरूर सर, क्योंकि फार्मर्स भी अगर देखें तो वो भी मार्केट में कमी ला रहे कॉटन का, तो वो भी थोड़ा इश्यू है जो सपोर्टिव प्राइसेस के लिए। और जो हमने न्यूज़ पढ़ा कि नॉर्थ में जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा सब स्टैंडर्ड है, तो उसकी वजह से भी आई थिंक थोड़ा प्राइसेस अप होगा। और अगर चाइना का एक्सपोर्ट शुरू होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल लग रहा है कि 33,000 तक हम कॉटन देखने को मिल सकता है, तो यहीं से आई वुड रिकमेंड कि आप बाय कर सकते हैं 31,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 33,000 का। और कॉटन केक में क्या करना चाहिए? 2760 के आसपास है, आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या करें कॉटन केक में भाविक? कॉटन केक में भी मुझे लग रहा है कि कॉटन के साथ साथ ही प्राइसेस अप हो सकते हैं, बट यहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी 2900 तक ही लग रही है, क्योंकि टेक्निकली भी देखें तो मई जून से ये 2900 का लेवल पार नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक किसी को भी अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2900 के करीब आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। हालांकि आज यहाँ ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वारगम 12,600 तक फिसल गया है, 2% कमजोर है। ग्वार सीड भी 2% कमजोर है, 5,950 के आसपास। खबर ये है कि यहाँ पर अराइवल काफी कम आ रही है, और साथ ही उत्पादन के जो पुराने अनुमान थे उससे काफी कम उत्पादन रह सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि 60 लाख बोरी इस साल उत्पादन रह सकता है, और आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड में भी तेजी आने की संभावना है। ग्वार को लेकर आपका नजरिया क्या है कुणाल जी? जी गोवा में हमने जो तेजी देखी थी बीच में उसके बाद एक पॉज आया है। क्रूड में भारी गिरावट के कारण क्रूड के प्राइजेस जो कंफर्टेबली 90 डॉलर
$95 के बीच में ट्रेड करते थे वो नीचे आ गए। अगर साइमल्टेनियसली आप यूएस का डेटा देखेंगे तो यूएस से जो गुआर गम का मेजर डिमांड ड्राइवर है यूएस, और वहाँ पे हम देखेंगे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ना चालू हुआ है, तकरीबन 400,000 बैरल से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है गुआर में उसमें आप बाइंग कीजिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी कोई लंबी मंदी के ट्रिगर नहीं आ रहे। जो ओवरऑल मार्केट इन्फो है कि ये साल गुआर का क्रॉप एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम है, सो ये दोनों चीज़ देखते हुए गुआर में बाइंग, गुआर गम सीड दोनों में बाइंग करनी चाहिए। यानी गुआर सीड और गुआर गम दोनों में खरीदारी की राय है, और जिस तरह के उत्पादन को लेकर भी लग रहा है, जो पहले अनुमान था कि बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन होगा, वो अब धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो रही है, लग रहा है कि उत्पादन कम होगा, और किसान बेहतर भाव की उम्मीद में माल को उन्होंने होल्ड भी कर रखा है, इस वजह से भी आवक कम है। भाविक, ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे, आज की जो गिरावट है 2% की, क्या करना चाहिए ग्वार सीड और ग्वार गम में? आई थिंक 5800 के करीब अगर आता है गोवा से दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो बाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से मेजर करेक्शन तो अभी भी नहीं लग रहा है, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग ही है, तो 5800 के करीब बाई कर सकते हैं 5650 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट अपसाइड रख सकते हैं 6100 का। और गुआर गम की भी बात करें तो अच्छी खासी रैली के बाद हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देख लिया है, तो अगर यहाँ से 12,200 के करीब आता है तो मैं बाई के रिकमेंड करूंगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 11,800 का और टारगेट रहेगा 13,200 का। तो दोनों में अगर डिप आती है तो बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है। यानी गुआर सीड और गुआर गम दोनों खरीदारी की सलाह। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। जीरा यहाँ सबसे ज़्यादा तेज है, 2% की तेजी यहाँ पर दिख रही है 25,150 पे। कोरिएंडर कल की गिरावट के बाद आज 1% की तेजी यहाँ भी दिख रही है 9,750 पे। हालांकि टर्मरिक सुस्त है 7,180 पे। भाविक, टॉपिक आपकी क्या है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं स्पाइसेस में आज? जी, मैं जीरे में ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जीरा में अभी भी सप्लाई टाइटनेस है, और अगर चाइना का मार्केट थोड़ा ओपन होता है तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो यही एंटिसिपेशन में जीरा में आज प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 25,000 के करीब आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा बाय कर सकते हैं 25,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,800 का। अब आखिरी सवाल भाभी के आपसे, कैस्टर को लेकर, उत्पादन को लेकर चिंता लग रहा है कि उत्पादन इस साल कम रहेगा, 15,00,000 टन के आसपास उत्पादन का अनुमान है, कैस्टर में क्या करना चाहिए? 7,450 के आसपास है, इन स्तरों पर ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है कैस्टर में? जी, कैस्टर में भी मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा, जैसे आपने बताया उत्पादन की चिंता है, और प्राइसेस भी अगर देखें तो अंडरलाइंग अभी भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, तो 7520-7540 के टारगेट से बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7380 का, तो करंट मार्केट प्राइस से ही मैं बाय की रिकमेंड करूंगा। ओके, यानी करंट भाव पर कैस्टर आप खरीद कर जा सकते हैं। शुक्रिया भाविक आपका, कुणाल जी आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं।